मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। तकरीबन 3 से 4 महीनों के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर है बीजेपी खेमे से, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अमित शाह लगातार जिम्मेदारियां सौंपते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं को। इन्हीं में शामिल है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया को लगातार जिम्मेदारियां तो मिल रही है लेकिन सिंधिया के समर्थकों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब दावे किए जा रहे हैं कि तकरीबन 6 समर्थकों के टिकट अब काटे जा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग को संभाल रहे हैं। इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनसभाओं को वह संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सिंधिया का साथ छोड़ चुके हैं उनके 3 समर्थक। मालूम हो कि तकरीबन 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपने 22 समर्थकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आज देखा जाए तो सिंधिया के समर्थकों में वो टूट देखने को मिल रही है क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज भी सिंधिया के गुट को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी हाईकमान ने कुछ अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी जो उनके कैबिनेट का हिस्सा है मंत्री। उनका साफ तौर पर रहा कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत बनाइए वरना टिकट काटा जा सकता है। और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के 6 समर्थक ऐसे हैं जिनका टिकट अब कट सकता है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिंधिया समर्थकों के नाम भी सामने आ चुके हैं और इन 6 समर्थकों को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा सकता है। इनमें से एक है इमरती देवी। जी हाँ, आपको बता दें कि इमरती देवी की गिनती सिंधिया के करीबी लोगों में होती है। कांग्रेस की सरकार में मंत्री रही, डबरा से विधायक थी और सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गई। उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद देखा गया कि सरकार ने लघु उद्योग निगम का इन्हें अध्यक्ष बना दिया, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव की राह इनके लिए आसान नहीं है। दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आलाकमान इन पर अहम फैसला सुना सकता है। दूसरी ही तरफ है ग्वालियर पूर्व से विधायक रहे मुन्ना लाल गोयल। सिंधिया के करीबी नेता हैं, बीजेपी में आए थे और उपचुनाव हार गए, लेकिन 2023 में पार्टी इन्हें फिर इनाम देगी या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तीसरे हैं रघुराज सिंह कंसाना, जिन्होंने भी उपचुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव में इन्होंने हार का सामना किया। अब देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये करीबी माने जाते हैं, मुरैना से ये विधायक रहे हैं और इनका भी कहीं ना कहीं टिकट काटा जा सकता है। वहीं यहाँ पर एक और नाम है, आपको बता दें कि गिरिराज दंडौतिया जो चुनाव हार गए थे, दिमनी विधानसभा सीट से इन्होंने उपचुनाव लड़े और यहाँ से इन्होंने हार का सामना किया, तो कहीं ना कहीं सिंधिया के ये विधायक भी चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए नहीं देखे जा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के एक और समर्थक हैं जसवंत जाटव, जिन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो रणवीर जाटव भी हैं और ऐसे में यहाँ पर अब सिंधिया के ये 6 समर्थक ऐसे हैं जिन पर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही है। इनका टिकट काटा जा सकता है, इन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए तो गुजरात के विधानसभा चुनाव जिस तरीके से बीजेपी ने लड़े थे उसी फॉर्मूले को यहां पर अपनाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहां पर अब पार्टी हाईकमान, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं और आखिरकार सिंधिया अपने इन समर्थकों को किस तरीके से यहां पर तवज्जो दिला पाने में कामयाब होंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।